केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज एक बार फिर से पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि मेरठ पुलिस साजिश के तहत भाजपा नेताओं की छवि खराब करने में तुली हुई है। इसके 7 बड़े उदाहरण उनके पास है, जिन्हें आज ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार राय को चेताया कि यह न समझें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से चला गया है तो मैं पुलिस को निरंकुश होने दूंगा, मैंने फिर से सींग वगैरह दिए पेट फाड़ दूंगा। इस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष यह बात भी स्वीकार की कि जिस मामले में फैंटम जांच के लिए गई थी वह फर्जी पाया गया है। इससे पूर्व डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया था कि मेरठ में फैंटम केवल उगाही में लिप्त है, कोई केस आज तक इसकी मदद से नहीं खुला है। इस मामले में यदि कार्रवाई न हुई तो 22 और 23 को अखाड़ा यहीं जमेगा, यानी कोतवाली में। दरअसल सोमवार की शाम भाजपा के पूर्व पार्षद नरेंद्र उपाध्याय की स्कूटी के फैंटम सिपाही वीडियो बना रहा था। जब सिपाही चंद्रपाल से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो आरोप है कि उसने भाजपा नेता के साथ गाली गलौज की। इसे लेकर तमाम भाजपाई कोतवाली थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने हंगामा किया और आरोपी सिपाही चंद्रपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो मंगलवार को कोतवाली का घेराव किया जाएगा। और इसी सिलसिले में आज डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कोतवाली पहुंचे थे। इस दौरान जो बातचीत डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी व सीओ कोतवाली से हुई वह फर्स्ट वाइट टीवी के कैमरे की नजर से आप लोग भी देखिए। किसी भी बड़े व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई सूचना है तो एक स्तर अपने से ऊपर के अधिकारी को विश्वास में लेके जाना चाहिए। अगर वो चौकी की फैंटम थी तो चौकी इंचार्ज को तो विश्वास हो, चौकी इंचार्ज जरूरी समझता तो इंस्पेक्टर को विश्वास। बिना उसके पहुंच गए जो मेरा आरोप है सीधे सीधे फैंटम लूट कर रही है इस शहर में। एक अपराधी अगर पकड़ के फैंटम ने दिया हो तो मुझे बता दो अब तक मेरठ के इतिहास में। मैं भी तो इस शहर में बड़ा हूँ, नंगा खेला हूँ इसी शहर की सड़कों में, भट्टे के अंडर में पहनकर छुआ छाई के लिए, लेकिन एक फैंटम वाले पकड़ कर दिया। जितनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए बीट और फूट फैंटम की गई, बीट फैंटम से साल भर में एक दो केस भी बड़े मजबूत बने पकड़े जा रहे हैं। नंबर तो इसमें बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, शाहपीर गेट की फैंटम पुराना गेट चौकी क्षेत्र में क्यों गई दूसरे क्षेत्र में? नंबर एक। और किसी मतलब मैं 7 उदाहरण मेरे पास हैं, मेरठ पुलिस इस वक्त भाजपा के नेताओं को खराब करने में लगी हुई है किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र से। और मैं सब मैंने अभी आज मुख्यमंत्री को भेज दूंगा, 7वां ये है आज। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, मैं तो हाँ जोड़ूंगा और इस पर मुझे कार्रवाई चाहिए। ये ना समझे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से चला गया तो मैं मेरठ पुलिस निर्दंड होने दूंगा। मैंने सींग उगा लिए, मैं पेट फाड़ दूंगा। आपको मैं सुबह ही फोन किया कि आपको मैं उस पर आपको विश्वास है? मेरे कप्तान साहब से बात हो गई है, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उन दोनों फैंटम वालों के खिलाफ जाँच, उनको जाँच से पहले हटाना और हटाने के बाद जाँच के अनुसार कार्रवाई। जिसने ये गलत फीड किया है नहीं वो किसके ऐसे मत छोड़ दो, किसके कहने पर उसने क्या उसे नाका थाने में नंगा करके उसे ठुकाई होनी चाहिए, वो किसके कहने पे किया? दूसरी बात, इतनी बात तो आपको तय हो गई कि फर्जी सूचना थी, इसे प्रेस के सामने आप कह दीजिए कि हाँ ये फर्जी सूचना थी।
आप आईडी दे दीजिए कि ये फर्जी सूचना थी और ये पुलिस की मेंटेन की गलती थी। ये ऐसे ऐसे दो गाड़ियां संदिग्ध हैं, ये रूटर बजाते हुए पहुंचे तब तक वो दोनों गाड़ी चली गई। एक बैठे हैं उनसे पूरा मैंने एक घंटा इंटरोगेट किया, वो दोनों गाड़ी चली गई, ये गाड़ी खड़ी थी, इसका भी वो आधा हुआ था तो उन्होंने आसानी से उसकी बात पर विश्वास। कोई व्यक्ति उसके पीछे है नहीं, नहीं है, सात केस है मेरे पास जो मेरठ पुलिस ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ अभियान चला रहा है 100%। अब मैं दिल्ली रहने लगा इसलिए कि मेरठ के विकास के लिए, उत्तर विकास के लिए पैसे ले आऊँ, यहाँ नाली सड़क खड़ा पीने का पानी स्ट्रीट लाइट थाना कोतवाली पुलिस बहुत दिन कर ली। लेकिन आज तो मैं अचानक आते मुझे पता चला, मैंने कहा चलो भाई आज थोड़ा बहुत तो मैं बात करके आऊँ, मैं इतना ही मुझे निवेदन करना था धन्यवाद, और मुझे इसका जाँच का निष्कर्ष पता चल जाए, और नहीं तो फ्राइडे और सैटरडे संसद बंद रहेगी, 20 से संसद है, 20-21, 22-23 बंद रहेगी, 22-23 को टेसू यही गड़ेगा, अखाड़ा यही जमेगा। इसके बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया से यह कहा, कल फैंटम के दो सिपाही जो इस थाना क्षेत्र के, इस चौकी क्षेत्र के भी नहीं थे, शाहपुरी गेट चौकी के क्षेत्र के थे, बुढ़ाना गेट चौकी क्षेत्र में गए थे, और उन्होंने हमारी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष को इस तरह की बात कही कि तुम्हारी स्कूटी से कुछ अपराध होता है। मैंने तुरंत कहा जांच हो गई है, प्राथमिक जांच में वो बात फर्जी पाई गई है, जो सूचना देने वाला भी पुलिस के पकड़ में, मैंने इतना ही आग्रह किया है कि जांच कर लो, ईमानदारी से कार्रवाई कर दो, यानी 22-23 मेरी होगी। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार राय ने यह कहा, कल शाम को पुलिस को एक सूचना मिली, एक संदिग्ध वाहन एक जगह खड़ा है, इस सूचना पर फैंटम पहुंची, वाहन की जांच पड़ताल की गई, बात सही पाई गई कि वो चीज लीगल है, जिस वाहन स्वामी है उन्होंने अपनी आरसी दिखाई और उन्हीं की वाहन, उन्हीं का वाहन था। इस दौरान ये पुलिस पर एलिगेशन लगा कि पुलिस ने मिसबिहेव किया या अच्छा व्यवहार नहीं किया जो वाहन के स्वामी थे, इस पर माननीय सांसद जी द्वारा भी आपत्ति प्रकट की गई, पुलिस के द्वारा सालीन व्यवहार किया जाना चाहिए था, इसकी जाँच की जा रही है। एक सामान्य रूटीन में जिस तरह से पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँच कर जाँच पड़ताल की गई करती है, वैसा ही किया गया है, और इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो इसमें दोषी हो उसको बुलाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि किसी कहने पर आपने गलत सूचना दी है, आपने ऐसा कृत्य क्यों किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।